Welcome to the other 167. I am Nidhi and I bring you greetings in the mighty name of Jesus, our true living God. Today's topic is praise and worship. आज हमारे साथ है जुडसन कार्टनिक जो हमें बताएंगे कि हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना आनंदित मन से करनी चाहिए जिससे हम उनके नाम को ऊंचा उठा सके। आइए उनसे जानते हैं। Praise the Lord everyone. Welcome to the other 167. Today I'm going to share on the topic of praise and worship. आइए आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता का 100वां भजन संहिता 100 उसका दूसरा वचन। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया, वचन कहता है कि आनंद के साथ हमें परमेश्वर की आराधना उसकी सेवा करनी है। हालेलुया, उसकी हमें उपासना करनी है, उसकी आराधना करनी है। और वचन कहता है कि जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। इंग्लिश में कहता है कि कम बिफोर हिज प्रेजेंस विद सिंगिंग। हमें गीत गाकर, हम चर्चेज में गीत गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं। उन गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति देते हैं, आराधना देते हैं, सारा आदर देते हैं, महिमा देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप You deserve all the glory, you deserve all the honor. सही में, सच में हमारा परमेश्वर सारा स्तुति के, सारी आराधना के हमारा परमेश्वर योग्य है। हालेलुया। हम एक और वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 95, साम 95 वर्सेस 1 और 2। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। यहाँ पर भी वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामने विथ थैंक्स गिविंग, विथ प्रेज एंड विथ वर्शिप आना है। वचन कहता है एंटर हिज कोर्ट्स विथ प्रेज एंड विथ थैंक्स गिविंग, एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग एंड हिज कोर्ट्स विथ प्रेज। हालेलुया, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें। हालेलुया। वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए एक ही एक्सेस है, वो है स्तुति और आराधना और थैंक्स गिविंग। प्रेज, वर्शिप एंड थैंक्स गिविंग इज द की टू एक्सेस टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 24वां वचन में, जॉन चैप्टर 4:24 सेज गॉड इज अ स्पिरिट एंड दोज हू वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। हमें परमेश्वर की आराधना सच्चाई से और आत्मा में करनी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। फॉर सच द लॉर्ड सीक्स फॉर सच पीपल, जो परमेश्वर की आराधना सच्चे मन से और आत्मा में करते हैं उन्हें परमेश्वर ढूंढता है, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हम रोज़ परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है, क्योंकि वचन कहता है साम 92:1 में, It is good to give thanks to the Lord. Hallelujah. It is good to give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देना एक अच्छी बात है, उसके नाम को महिमा देना एक अच्छी बात है। Hallelujah. परमेश्वर इन वचन का आशीष से भरे। God bless you all. Praise the Lord. Let's worship God with this beautiful song. Hallelujah. से आराधना करूं,
Sun Karnik, for your encouraging message and beautiful worship. Yes, my friends, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमें हर पल परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहना चाहिए। यही हमारा कार्य है, हम इसीलिए बने हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप चाहे तो हमें कुछ लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। थैंक यू सो मच। प्रेज़ गॉड।